चंपावत में मंगलवार की शाम को जिला मुख्यालय के नजदीक नर्सिंग कॉलेज के ठीक पीछे के जंगल में अचानक भीषण आग लग गई, तो वहीं देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग की टीम आनन फानन में मौके पर पहुंची, तो वहीं आग की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आग बुझाने के काम की कमान खुद DFO RC कांडपाल को संभालनी पड़ी। तो वहीं कई घंटों की मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका। आग के विकराल रूप को देखकर नर्सिंग कॉलेज तक को खतरा पहुंचने की आशंका बन रही थी, तो वहीं आग बुझाने के काम में महिला वन कर्मियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। आग कैसे लगी फिलहाल इसका कुछ पता नहीं लग सका है। आपको बता दें, जिला मुख्यालय के निकटवर्ती ग्राम पुनेठी में नर्सिंग कॉलेज के पास जंगल में तेज आग लग गई, तो वहीं चेड़ के जंगल में तेजी से आग फैल गई। इसे बुझाने के लिए वन विभाग की टीम के अलावा फौरन ही चंपावत के DFO रमेश चंद्र कांडपाल भी मौके पर पहुंच गए। तो वही DFO RC कांडपाल ने आम नागरिकों से जंगल को आग से बचाने में विभाग को सहयोग करने की अपील की, साथ ही जंगलों को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।